देखिएगा।
तो गाइज अगर यहाँ पे तीतर आती है तो तीतर का अगर पैर इस पे किसी भी लकड़ी पे रखाता है तो तुरंत ये जाल पूरा गिर जाएगा तीतर के ऊपर, तो तीतर नहीं भाग पाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे तीतर अगर जाती है तो यहाँ पे उसका भागने का चांस बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों आप वीडियो पर बने रहना, दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हमारे चैनल पर अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए हम दिखाते हैं अगर तीतर जाती है अंदर तो कैसे इसमें इसका जाला गिर जाएगा और फंस जाएगा। तो वीडियो पर बने रहना, देखिए गाइस कितना ज़बरदस्त जाल लग चुका है हमारा। हम इसको सेट कर देते हैं फिर चलते हैं। यहाँ पे शाम की टाइम है क्योंकि यहाँ पे अक्सर तीतर आती हैं रहती हैं, तो हम ये इसीलिए जाल लगाए हैं। अब ये सब देख सकते हैं दोस्तों, ये सब तीतर का गढ़ है। तीतर अक्सर यहाँ पे आती हैं, चलती हैं, रहती हैं, तो हमने इसीलिए ये जाल यहीं पे लगाया है। तब हम इसको फटाफट फिर से सही कर लेते हैं फिर। तो गाइस हमारा जाल लग चुका है, सब निकाल देते हैं, ये लकड़ी अंदर डाल देते हैं ताकि टच हो तीतर का पैर या कुछ तो उसमें गिर जाए जाल। तो हम चलते हैं फिर आएंगे एक दो घंटे के बाद, फिर देखते हैं हमारा शिकार हुआ है कि नहीं। तो गाइस हम दाना डाल देते हैं अंदर, दाना अंदर ही रहे गाइस, नहीं तो अगर बाहर रहेगा तो बाहर ही खा के भाग जाएगी। तो गाइस लग रहा है तीतर फंसी हुई है इसमें, देख सकते हैं, मुझे लग रहा है एक फंसी है क्योंकि तीतर का जाल गिरा हुआ है। आप देख सकते हैं गाइस अंदर, अगर मैं जाल उठाऊंगा तो वो भाग सकती है। तो गाइस आप देख सकते हैं एक तीतर इसमें फंसी हुई जाले में। मैं वही समझ गया क्योंकि जाला जब गिरा था तो समझ में आया कि तीतर इसमें अटकी हुई है, लेकिन सिंगल ही तीतर है। मुझे लग रहा है एक फंसी होगी तो एक उड़ के भाग गई होगी, तो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस हम अब जा रहे हैं घर क्योंकि हमारा एक शिकार हो गया तीतर का। ये सब फेंक देते हैं, ये सब बाद में बना लेंगे फिर से।